सो गाइज, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो आई होप यू एंजॉयिंग दिस व्लॉग. सो हेलो, हाय गाइज, दिस इज अप्रिश और आप देख रहे हैं अप्रिश ट्यूटोरियल. सो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ. मैं करने वाली हूँ रिक्रिएट एक ड्रेस को, जैसे कि आप लोग थंबनेल से देख चुके हैं. सो बेसिकली मूसीलक्स या मूसलक्स, हाउ इट इज़ प्रोनाउंस, सही है कुछ इसी तरह का नाम है. सो इसका ड्रेस करने वाली हूँ मैं रिक्रिएट, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इन है इनके ड्रेसेस, सही है. और हानी आमिर ने इनका शूट किया है, सज्जल अली ने शूट किया है, बहुत सारे एक्ट्रेस ने, बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इनके ब्रांड का शूट किया है. और इस तरह के ड्रेसेस जो हैं इनके ब्रांड में फर्स्ट लॉन्च हुए थे, देन उसके बाद और भी पेजेस इस तरह के ड्रेसेस अब बना रहे हैं. सो हम इन्हीं के ड्रेस को करेंगे रिक्रिएट, और बहुत खूबसूरत ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद आया था. सो आई होप सो आपको भी अच्छा लगेगा. और इनके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सो हम इसी को करने वाले हैं इस वीडियो में रिक्रिएट. सो चलते हैं वीडियो की जाने, लेट्स जमना वीडियो. सो बेसिकली इस वाले ड्रेस को हम करने वाले हैं रिक्रिएट. कुछ सॉफ्ट ऑर्गेंजा और टिश्यू टाइप का भी फैब्रिक था, और बहुत ज़्यादा शाइन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं था, थोड़ी बहुत शाइन थी. और ये दो फ्लावर्स मुझे बेसिकली बहुत पसंद आए. तो सुबह 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं हलवा पूरी खाने, जो इसी टाइम पर अवेलेबल होती है, दैन अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाती है वहाँ की, जहाँ पर हम जा रहे हैं. और यहाँ से हम कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कलेक्ट और कर रहे हैं उनका इंतज़ार. सो हम जब तक पहुँचे थे ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी थी, फिर भी हमें ग्रेवी में जो थी अवेलेबल हो गई थी. देन यहाँ से मैं अपनी क्लास लेने के लिए गई, क्योंकि आपको पता है कराची की मार्केट इतनी सुबह खुली हुई होती भी नहीं है. सो यहाँ से मैंने अपनी क्लास ली, देन उसके बाद हम गए मार्केट. और मार्केट में जाते ही सबसे पहले मैंने शॉप्स पे, मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं पहले इनर लूँ या आउटर लूँ, और गेंसा और इस तरह का फैब्रिक जो मुझे लेना था. सो मुझे कुछ सॉफ्ट सा फैब्रिक चाहिए था, तो अंकल ने कहा ऑर्गेंजा तो इतना सॉफ्ट होता नहीं है, आप शिफॉन जॉर्जेट टाइप का जो फैब्रिक होता है आप इस पर बना लें. मैंने कहा एम्ब्रॉयडरी बन जाती है, तो वो मुझे फैब्रिक दिखा देते कि हाँ आप फैब्रिक को डिसाइड करें, देन फिर मैं आपको कलर शो करता हूँ. मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था सही. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि मुझे फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था, और ये ब्लू कलर का जो है शेड भी मुझे समझ में नहीं आ रहा. सो ये दूसरी शॉप थी और इनके पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से फैब्रिक थे, बट सेम टाइम पर इनके पास जो फैब्रिक थे उस पर क्रिंकल्स टाइप का आ रहा था. इस पर बेसिकली एम्ब्रॉयडरी नहीं बन सकती थी, शाइन भी था, सॉफ्ट भी था, और बहुत फॉल टाइप का फैब्रिक था, जो लोग मैक्सीस वगैरह बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है. बहुत अच्छा शेड्स और कलर रेंज इनके पास थी. देन फाइनली मुझे ये वाला शेड जो है वो पसंद आया था, और यही मैंने बाय किया था. ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी था, और ये मेरे शेड से मैच भी हो रहा था, और थोड़ी बहुत शाइन भी हुई थी. बहुत ज़्यादा कैमरे पर लग रही है बट इतनी नहीं थी, हाँ बट थी उस पर शाइन. और इसके साथ अब मैं मैचिंग का देख रही थी इनर, सही है. अच्छा, मेरा गला है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करिएगा. और प्लीज़ जिसको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिनको नहीं आती वो भी लाजमी लाइक करें और सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ये मेरा न्यू चैनल है. सो इस तरह का कुछ पर्पल टाइप का शेड अंकल ने मुझे निकाल के दिया था, जो बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मैंने कहा अंकल पर्पल का शेड नहीं बनाना, मुझे ब्लू टाइप का शेड बनाना है, सही है. देन मैंने दूसरी शॉप पे जाके शेड्स देखे थे, और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं इनके पास बहुत डिफरेंट फैब्रिक्स भी थे, और बहुत ज़्यादा शेड्स भी अवेलेबल थे. ब्लू के भी शेड्स थे और बहुत ज़्यादा शेड्स अवेलेबल थे. तो फाइनल मैंने एक शेड खुलवाया था. अच्छा, इन्होंने कहा था आप फैब्रिक की टेंशन ना लें, आप शेड डिसाइड कर लें आपको किस तरह का शेड लेना है. सो यहाँ पर खाली मैं शेड दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था, सही है. देन इसके बाद इन्होंने एक और शेड दिखाया था, फिर उसके बाद मैंने जो शेड लिया था वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी. अच्छा, सो बेसिकली मैं वॉइस ओवर जो है 14 अगस्त वाले दिन कर रही हूँ. सो बैकग्राउंड जो साउंड, अगर पू पू पापा आए तो आप समझ सकते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं. सो बेसिकली मुझे इस तरह का नेट के फैब्रिक पे ब्लू और पर्पल और सिल्वर सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी पसंद आ रही. अच्छा, सो यहाँ पे इन एम्ब्रॉयडरी वाले अंकल को मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिया था, और इनके पास जो एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ. बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बिल्कुल भी क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी में जो थोड़ा सा धागा खिंचा हुआ होता है इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हुआ था. और देन इसके बाद हमने चिल आउट होने के लिए आइसक्रीम वगैरह खाई थी. देन 15 डेज लेटर
यहाँ पे मेरे पास एम्ब्रॉयडरी आ गई थी जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और एज़ इट इज़ फ्लावर जो थे वो ऐसे ड्रेस बने हुए थे जैसे कि एम्ब्रॉयडरी जो मौसी की ड्रेस में जिस तरह के फ्लावर्स बने हुए थे, सेम एज़ इट इज़ उसी तरह के फ्लावर्स बने हुए थे। और नीचे की एम्ब्रॉयडरी जो थी वो उस पिक्चर में भी क्लियर नहीं थी, तो मैंने बोला था आप अपने पास से अच्छी सी कर दिएगा, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी की थी। देन यहाँ पर हम टेलर के पास गए थे स्टिच करवाने के लिए, टेलर ने कहा दुपट्टे पे कोने पर मैं आपको ऐसा क्या कहते हैं बेल लगा के दे दूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो 7 डेज के बाद यहाँ पे ये वाला भी आपका सूट तैयार है इसके साथ दुपट्टा, सो ड्रेस रेडी हो गया था। और सेम टेलर का भी वही इशू है, 12 बजे से पहले नहीं शॉप्स खुली हुई होती, तो यहाँ पे हमने क्ली क्लास, देन उसके बाद हम जा रहे थे ड्रेस लेने के लिए कि ड्रेस लेंगे और उसके बाद जाएंगे घर पर। अच्छा सो यहाँ पे ड्रेस आ चुका है जैसे कि आपको दिख रहा है, अच्छा कुछ इस टाइप का ड्रेस आया है स्टिच होके। सो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ करीब से, फ्लावर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बहुत डिटेल में काम हुआ हुआ था, सही है कटदाने का काम हुआ हुआ था, नग मोतियों का काम हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा डिटेल में काम हुआ हुआ था। यहाँ पर टेलर ने एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने बोला था कि इनर और आउटर आप अलग स्टिच करेंगे, मगर उन्होंने साथ में स्टिच कर दिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेलर ने इस बार बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट किए थे। सही यहाँ पे दामन में भी मैंने बोला था सेम ऑर्गेंजा का फैब्रिक लगाना है, आपने इनर आउटर को ज्वाइन नहीं करना है, तो इन्होंने सिल्क का फैब्रिक लगा दिया था। और स्लीव्स पे भी आप देख सकते हैं एंड में मैंने बोला था ऑर्गेंजा के ही फैब्रिक से फोल्डिंग करेंगे, आप ये सिल्क का फैब्रिक यूज़ नहीं करेंगे, मगर बहुत बेहतरीन पैंट बजा के उन्होंने भेजा था सूट की। सही है देन उसके बाद यहाँ पर मैंने एंड में इनको शलवार पर बोला था कि आप कोई नेट की बेल लगाइएगा, इन पर बस यही चीज़ छोड़ दी थी, और इन्होंने माशाल्लाह से कोई जॉर्जेट का एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक लेके वो इन्होंने लगा दिया, मैंने पिक्चर दिखाई भी थी कि इस तरह का लगाना है। अच्छा सो यहाँ पे मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, अच्छा जिसको शाइनिंग वाला फैब्रिक पसंद ना हो वो प्लेन ऑर्गेंजा पे ये ड्रेस बनवा सकते हैं। ये टिशू टाइप का फैब्रिक है, टिशू के फैब्रिक में थोड़ी बहुत शाइन होती है, थोड़ी ज़्यादा भी शाइन हो जाती है, और सॉफ्ट फैब्रिक है तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक पे शाइन थी। अच्छा 1-1 इंच के गैप से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मैंने करवाई थी। सही है, अच्छा बैकग्राउंड को अवॉइड करिएगा, 14 अगस्त का दिन है और पू पू पापा की आवाज़ से मेरा सर फट चुका है। देन यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ फाइनल रिजल्ट, कुछ इस तरह का फाइनल रिजल्ट आया था और मुझे बहुत पर्सनली पसंद आ रहा था। आपको कैसा लग रहा है, किस हद तक मैच किया है, लास्ट कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस हद तक मैच किया भी है कि नहीं किया है। मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मैंने बाहर इवेंट ली मुझे पहनने का मौका नहीं मिला था, बट मुझे वीडियो आपको लाजमी शो करानी थी, सो मैंने इसलिए यहाँ पे घर में वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और मुझे ये दुपट्टा बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा सो ये बहुत सिंपल मेकअप के साथ जैसे आगे आपको दिख रहा है कि मैंने ना कोई काजल, ना लाइनर, ना मस्कारा, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ब्लशर और लिपस्टिक लगाई है। सिंपल मेकअप के साथ भी ये बहुत अच्छे से जा रहा था ड्रेस, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा सो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा ये न्यू चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी मेरी वीडियो जो है आगे लोगों तक जाएगी, जितना आप लाइक करेंगे उतनी मेरी वीडियो आगे लोगों तक जाएगी, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। स्किन केयर, हेयर केयर और ड्रेस रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अच्छा सो गाइस, किस ब्रांड के ड्रेस को आप लोग रिक्रिएट करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं वो लास्ट कमेंट में मुझे बताएं, मैं उन ब्रांड्स के ड्रेसेस को भी रिक्रिएट करूँगी। अच्छा सो ये दुपट्टा सर पे रखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि इसके एंड में थोड़ी सी छन टाइप की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, जो लोग बहुत ज़्यादा सर पर दुपट्टा लेते हैं और बहुत ज़्यादातर लोग लेते हैं, आंटियाँ लेती हैं और लड़कियाँ भी लेती हैं, और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि सब लें, और बहुत खूबसूरत लग रहा था सर पर दुपट्टा रखने में भी, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा ये नेवी ब्लू कलर के शेड में भी बहुत खूबसूरत लगता है, ये ड्रेस बन था मुझे अगर ब्लैक कलर के शेड में भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता, बट मुझे हाँ वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, दैट्स व्हाई मैंने सेम शेड लिया।
अच्छा, सो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे मैंने अडेबलिन स्टार्ट किया है 1 वीक पहले। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्नी थे और यहाँ पे आप मेरी स्किन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोई क्रीम वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। अच्छा, उसे किस तरह यूज़ करना है और कैसे मैंने यूज़ किया, मेरी स्किन कंडीशन क्या हो गई है अब, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में लास्ट में बताऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स दिखे हुए थे। यहाँ पर मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ बीबी क्रीम भी यूज़ नहीं की, लाइक तिब्बत टाइप की कोई क्रीम मैंने यूज़ किया वो मेरी, मतलब कि आप एक्ने की वाली वीडियो में देख सकते हैं कौन सी क्रीम मैं अप्लाई करती हूँ, वो लाइक तिब्बत टाइप का टेक्सचर है उस क्रीम का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सपोर्ट मी, और आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मेरा चैनल रीच करेगा। सो टिल एंड टेक केयर, टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।